और दुकान वाले कोर्ट कचहरी गए। कोर्ट कचहरी के बाद में सारे ऑर्डर सोसाइटी और हमारे फेवर में आ गए। सर एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है सोसाइटी के साथ। जस्ट ऑर्डर आया है कि इमीडिएटली इसको डेमोलिशन करना है। इनका रेरा रिजन नहीं हुआ है और ये परमिशन हमसे मांग रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग करने की सिस्टम दिख रहा है मुझे। नहीं, बिल्डिंग गिर रही है, कल दो स्लैब गिर गए, कौन जवाबदारी लेगा? तो हमारी जगह, हम सेफ्टी चाहते हैं। सोसाइटी ने हमको बोला है, हम तोड़ रहे हैं। विदाउट एग्रीमेंट के पजेशन दिया गया। ये भी हाईकोर्ट ने बाकायदा इनके वकील को डांट कर विड्रॉल करवाया। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के शिमला पार्क के पास। आपको बता दें, ये नूरानी टावर आप जो देख रहे हैं, करीब 3 से 4 साल पहले जो है इसे धोखादायक घोषित किया गया था और जो इसमें सोसाइटी के लोग थे वो करीब 3 साल पहले इसे खाली कर दिया और रीडेवलपमेंट के लिए जो है इसे मजहर लाला को दिया गया। जो पैराटाइज MKH बिल्डर्स डेवलपर्स हैं, उन्हें मजहर लाला को ये रीडेवलपमेंट के लिए दिया गया। लेकिन जो नीचे दुकानदार हैं, आप देख सकते हैं ये दुकानदार नीचे करीब 20 दुकानें यहाँ पर इस तरह से हैं और ये दुकानदार जो है कोर्ट का दरवाज़ा इसलिए खटखटा दिया क्योंकि रीडेवलपमेंट के लिए जब यहाँ पर काम शुरू किया गया उसके बाद इन दुकानदारों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। और कोर्ट से भी बताया जा रहा है कि ये ऑर्डर दिया गया कि आप लोग आपसी समझौता कर कर जो है इसे डेमोलाइज किया जाए और उसके बाद जो है इसे रीडेवलपमेंट किया जाए। लेकिन जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका कहना है कि उन्हें उनके दुकान का जो डेवलपर्स हैं मजहर लाला, उनके तरफ से उन्हें एग्रीमेंट बनाकर दिया जाए कि उनकी दुकान कितनी बाई कितनी की है, उसके बाद पोजीशन लिया जाए। लेकिन वही मजहर लाला का कहना है कि कोर्ट का जो फैसला है वो ये जो इमारत है नूरानी टावर्स, ये जो है काफ़ी धोखादायक है और इसे डेमोलाइज करना बेहद ही ज़रूरी है। बहरहाल इस दौरान जो डेवलपर्स मजहर लाला है उनसे भी हमने बातचीत की है और जो नीचे दुकानदार है उन लोगों से भी बातचीत की है। इन दोनों लोगों ने क्या कहा है, दरअसल आज जब कोर्ट के फैसले के बाद दुकानों को जो है यहाँ पर डेमोलाइज करने का काम शुरू किया गया उस समय जो है ये मामला काफ़ी बढ़ गया था। बहरहाल हमने बात की है मजहर लाला से और दुकानदारों से भी, क्या इन लोगों ने कुछ कहा है। सर भाई, नूरानी टावर का ये जो डेमोलाइज किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? इन लोगों को आपत्ति है कि आप एग्रीमेंट बनाकर इनको नहीं दे रहे, पूरा मामला क्या है, कोर्ट का भी डिसीजन क्या है वो आप बताइए। कैसा है कि मामला कोर्ट में चल रहे थे, इन्होंने कैसा है कि शुरू में हाईकोर्ट में गए और सोसाइटी, ये दुकान वाले अलग है और बिल्डिंग वाले खाली हो चुके हैं, बिल्डिंग वाले 3 साल पहले खाली हो चुके हैं और दुकान वाले कोर्ट कचहरी गए। कोर्ट कचहरी के बाद में सारे ऑर्डर सोसाइटी और हमारे फेवर में आ गए और कोर्ट ने भी आदेश दिया था 23 नवंबर को इनको सोसाइटी को हैंडओवर करने का और जो ऑर्डर हमारे हाथ में है हैंडओवर करके डेमोलिशन का पूरा स्टार्टअप करना है और अति धोखादायक है। इसमें VGTI का रिपोर्ट जो हाईकोर्ट ने बोला था ना कि VGTI का रिपोर्ट निकालो, कौन मानता है कि धोखादायक है कि नहीं, तो कोर्ट के आदेश से VGTI का रिपोर्ट निकाला गया। हाईकोर्ट में VGTI का रिपोर्ट भी सबमिट करने के बाद में फौरन उसका अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया है कि इमीडिएटली इसको डेमोलिशन करना है। और दूसरी बात ये है कि ये बिल्डिंग वालों के लिए खतरा नहीं है, आसपास वालों के लिए करेंगे या कैसा है। हमने महानगर पालिका को भी 2-3 बार करस्पॉन्डेंस किया है सोसाइटी ने, तो उनके पास में वो उनसे जवाब आएगा हमारे पास फंड नहीं है डेमोलिशन करने का, तो अब वो फंड बिल्डिंग किसकी लाश पर अगर वो गिरता है तो फंड लगाएंगे या कोई गिरने, तो हमने अप्लाई किया है तो महानगर पालिका दिया है हमारे को कि हाँ लिखित नहीं है, नहीं लिखित में नहीं है, ओरल बोला गया है उसका फंड डाला जाएगा और डेमोलिशन का लिया। इतनी धोखादायक बिल्डिंग खुद तोड़ रही है, कहाँ तोड़ रही है, तो हमने इतने करस्पोंडेंस दिया है ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये करस्पोंडेंस, ये देखो ये धोखादायक मध्य कांडने सील कागज पर, ये देखो सील भी तोड़ तोड़ के घुसे सोसाइटी, ये इसमें महानगर पालिका को करस्पोंडेंस किया गया है, ये देखो ये सारे करस्पोंडेंस किए गए, ये कमिश्नर को दिया गया, TMC को दिया गया, सबको दिया गया, जितने डिपार्टमेंट्स है सबको दिया गया। ये अभी जो बिल्डर और उनका प्रोसीजर भी चालू है, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर बन के बताया था कोर्ट में वो तोड़ रहा है। कैसा है कि हमको डेमोलिशन का तो बोला गया है एकदम क्लियर एंड, यानी इसमें बोला गया है कि डेमोलिशन आप करो, सोसाइटी तोड़ रही है, बिल्डर तोड़ रहा है, नहीं हम तोड़ रहे, सोसाइटी ने हमको बोला है हम तोड़ रहे।
ये दुकान वाले के अलावा कुछ बिल्डिंग वाले जो रूम मालिक भी है उन लोगों का भी उसमें हुआ है ना, उन लोग का भी है ना, वो बेचारे 3 साल से बेघर है, उनके लिए कोई उन्हें बोल रहा है, वो 85 मेंबर्स है, वो 85 मेंबर्स है और 20 दुकानदार है। अब 20 दुकानदार आज दिन तक के कमा रहे एग्रीमेंट बनाकर, और दूसरी बात है हमारा स्कीम ये है कि हम ये बिल्डिंग डेमोलिशन करेंगे और इधर ही इनको कंटेनर डालकर इनका जो शॉप्स है जो भी है इनका धंधा वापस 2 महीने में शुरू हो जाएगा। जैसे बिल्डिंग डेमोलिशन होकर नीचे आती है वैसे इनका हम वापस से सेटअप करके देंगे, तो इनकी भी रोजी रोटी चालू रहेंगी। एग्रीमेंट इनके वकील के पास है, वो करेक्शन में है, हो जाएगा। और दूसरी बात, एग्रीमेंट कोई नहीं दिया, क्लियर कर देता हूं, और ना ही रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का सिस्टम भी बता देता हूं। इन्होंने हमको सर्कुलर सिखाया है, सोसाइटी का सर्कुलर है, वो फॉलो करो। अब सोसाइटी का सर्कुलर ये बोलता है कि सोसाइटी से पहले टेंडर निकलता है, टेंडर निकल हमारा टेंडर एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद में हमारा जो सिलेक्शन ऑफ बिल्डर है वो भी हुआ, हम सिलेक्टेड बिल्डर है, इसमें हमको काम भी मिला है। और दूसरी बात, आगे के प्रोसीजर में इन्होंने हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में स्टेटस को लाया थोड़े टाइम के लिए, स्टेटस को के भी बाद में अभी पूरा डिसीजन आ गया है कि बिल्डिंग जल्दी डेमोलिशन करो और तुम्हारा जो प्रोसीजर है वो साइड बाय साइड चालू रखो। के बाद पोजीशन देना है, एग्रीमेंट के बाद पोजीशन नहीं है, डेमोलिशन हाथी धोखा देंगे, इसके लिए करना जरूरी है। लेटेस्ट कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है जो अभी लास्ट फाइनल हुआ है, नहीं इनका कहना है कि एग्रीमेंट देने के बाद आप पोजीशन ले तो क्यों नहीं एग्रीमेंट देते? नहीं, बिल्डिंग गिर रही है, कल 2 स्लैब गिर गए, कौन जवाबदारी लेगा? फिर ये बोलेंगे कि हम मर गए, हमारा आदमी कोई मर गया, आपने क्यों बोला नहीं? ये बताओ पूरे हिंदुस्तान में एक वहाँ पे स्लैब गिर रहा है, यहाँ स्लैब बगैर, और ऊपर तोड़ा जाएगा, नीचे दुकान कैसी पॉसिबल है? ऊपर तोड़ा जाएगा तो आपका 2-3 हफ्ते से चालू, आपको दे देना चाहिए एग्रीमेंट तो देना चाहिए, उससे तो स्लैब तो गिरेगा ही ना सर। वो सर्कुलर के मुताबिक ही इनको एग्रीमेंट दिया जाएगा, बाकायदा सोसाइटी से कोऑर्डिनेट करे, इनके एडवोकेट से, हमारे एडवोकेट से कोऑर्डिनेट करे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से एग्रीमेंट भी मिलेगा, सब मिलेगा। एग्रीमेंट बने कहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में, एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बताइए कि विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट के पोजेशन दिया गया, हमारा एग्रीमेंट ही नहीं है। तो आप कोर्ट हमारे गए थे तो कोर्ट में क्या फैसला, कोर्ट ने यही बोला है कि पीसफुल इसको पोजेशन दे दो, ये सारे बेनिफिट्स आपको दे देंगे, एग्रीमेंट बनेगा उसके बाद पोजेशन देंगे। उन्होंने जो ऑर्डर बताया उसमें ये लिखा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है सोसाइटी के साथ, रीडेवलपमेंट का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है, आज दिन तक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ नहीं है, प्लान नहीं है, बिना प्लान के, बिना रजिस्ट्रेशन के रेरा रजिस्टर्ड नहीं हुआ इनका, नहीं है कोई इनका रेरा रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, और ये पोजीशन हमसे मांग रहे हैं, हम पोजीशन दे कैपेबिलिटी देखना पड़ेगी ना, कैपेबिलिटी है नहीं है, रेरा में आते नहीं आते। देखिए अभी मैं बताऊँ, लास्ट जो हेयरिंग हुई है हाई कोर्ट में, जिसने स्टेटस को लगाया था, हालांकि ये बोले थे जिसके साथ मेजॉरिटी है उसके साथ सब काम होएगा, तो हम लोग क्वाइट एग्रीड, मेजॉरिटी आपके साथ है, हम भी आपके साथ है, लेकिन आप जो है लीगली सब जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग को थोड़ा सेफ्टी दे दो, हमारी जगह, हम सेफ्टी चाहते हैं, हमारे से हमको एडिशनल कुछ भी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम इनका नहीं है, प्रॉब्लम कमिटी मेम्बर्स का, इनको कुछ समझता ही नहीं था, इन्होंने सारे आज 104 को जो है, 104 को जो है वो आज ये लोग ने जो है तबाही की भट्टी में डाल दिया है। आज फ्लैट ओनर्स को भी 3 साल हो गए, रेंट बंद है, ये हमारे रोजी रोटी है, जब 20 लोग हैं यहाँ पे, 250 लोग मजदूर काम करते थे, सबकी रोजी रोटी बंद हो गई, अभी यहाँ पे मरने के ताल्लुकात आ गए, ये हालत हो गई है सबकी, क्या उधर दीजिए, आज इनके पास प्लान नहीं है, आज इनके पास एग्रीमेंट नहीं है, एक मिनट, हाईकोर्ट में क्या हुआ तफसील से बता देता हूं, आपकी जरूरत नहीं है जब आप बोलेंगे इधर बोलना, मैं बताता हूँ, सुनो आप जरा मेहनत रखो, जरा मेहनत रखो, ये रिकॉर्डिंग मेंबर और नॉन मेंबर के अंदर ही मिसगाइड कर दिया जा रहा है, मेंबर और कोर्ट में, अरे मेंबर क्या जरूरत है मेंबर की, मेंबर और नॉन मेंबर ने मिसगाइड किए ले, किसी भी सड़क कल्याण की बात करेंगे चाचा, अब हम पे नहीं गरम हो सकते, हम एक एक जनता बाइट लेंगे, आप हम पे गरम होंगे आप सोसाइटी ने बिल्डर को दिया, आपने बिल्डर से प्लान लिया, पूरा एग्रीमेंट बनाया, तफसील से सबको दिया, तफसील से सुनिए बताता हूँ, सुनो, हाईकोर्ट में ये लोग गए नवंबर 2020 में, सुनो सुनिए, नवंबर 2020 में इनको कहा गया, हाईकोर्ट ने कहा, सुनो, हाईकोर्ट ने कहा इनको नवंबर 2020 में पीसफुल जो है ना बिल्डर को
और सोसाइटी को आप पोजेशन दे दीजिए, और बिल्डर जो है ना आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा और सोसाइटी भी नाइंसाफी नहीं करेगी। इस कंडीशन में वो खुद लोगों ने एप्लीकेशन निकाल ली, एप्लीकेशन विड्रॉल कर लिया, विड्रॉल करना, सोसाइटी ने जीतना या वो हारना ये चीज़ नहीं हुई, समझ लो इस बात को, विड्रॉल किए। फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर रिट एप्लीकेशन किए, रिट एप्लीकेशन करने के बाद फिर से सुनाऊनी की वो अपील को उन्होंने चैलेंज किए कि फिर से हमको जो है ना इसके अंदर गाइडलाइन दो। वो चला काफ़ी दिनों तक केस, फिर दो तीन केस और डाले इन्होंने, फिर ये भी हाईकोर्ट ने बाकायदा इनके वकील को डांट कर विड्रॉल करवाया। हाईकोर्ट ने कहा स्पष्टली ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, ऑर्डर के अंदर आप बोले, मैं कुछ बोला बीच में, मैं बोला बीच में, हाँ ठीक है। हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने इनके वकील को कुछ बातें छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए डाटा बाकायदा, और ये उनको विड्रॉल करने लगाया, और जो रिडेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है उसको कॉपरेट करने के लिए हाईकोर्ट ने बाकायदा कहा है, और सोसाइटी को ये कहा है कि जो मांग रहे हैं पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, इनको पेपर बहुत सारे पेपर दे चुके हैं, टेंटेटिव प्लान भी दे चुके हैं, एग्रीमेंट का ड्राफ्ट भी दे चुके हैं, इवन प्लान और बिल्डर एग्रीमेंट, सुनो बिल्डर एग्रीमेंट सोसाइटी का प्रोसेस है। बिल्डर एग्रीमेंट जो है ना सोसाइटी हर मेंबर को देती है, पढ़ने के लिए देती है, पहले ड्राफ्ट हर मेंबर को पढ़ने के लिए दिया, पूछो उनको पढ़ने के लिए मिला कि नहीं, उनको पढ़ने के लिए दिया गया। पहले जो है ना सोसाइटी डायरेक्ट उसको कर रही थी, बाद में उसके अंदर चेंज करके हर मेंबर को डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर शामिल किया जाएगा, हर मेंबर को डेवलपमेंट एग्रीमेंट में शामिल का प्रोसेस चल रहा है, लंबे लेंथी प्रोसेस है वो, प्रॉपर एग्रीमेंट, सुनो प्रॉपर एग्रीमेंट पहले दिया जाएगा। हाँ, ये दो दो चीज़ें अलग अलग हैं। इसमें बिल्डिंग की पोजीशन अति धोखादायक है, 2018 से कंटिन्यू कॉरपोरेशन ने धोखादायक इसको डिक्लेयर किया है। इन्होंने भी अलग से सोसाइटी से हट के, सोसाइटी से हट के इन्होंने भी जो कानून में बैठता नहीं उसके बावजूद इन्होंने भी ये करे, स्ट्रक्चर रिपोर्ट करे इन्होंने, उसके अंदर भी C1 आया, समझे। सोसाइटी ने दो दो स्ट्रक्चर ऑडिट से, VGTI सबसे बड़ी जो VGTI है उससे ये किया गया, उससे ये किया, तो VGTI ने भी बोला तत्काल बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाए। कॉरपोरेशन ने भी C1 में डाला है, कॉरपोरेशन ने भी ये करा, थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर आने की वजह से दो चीज़ें अलग हैं। सुनो, दो चीज़ें अलग हैं। रीडेवलपमेंट प्रोसेस कानून से चल रहा है, कानून से कर रहे हैं, कुछ लोगों को एतराज है उनका, उन्होंने कोर्ट में गए, कोर्ट से उन्होंने तमाम चीज़ें विड्रॉल किए हैं। लिखित मेरे पास ऑर्डर है, मुजबानी ऑर्डर है, 62 नंबर है, आप 62 2020 का ऑर्डर नंबर है, आप खुद जाके नेट पे देख सकते हैं, कोई भी देखें 62 नंबर है, समझे, बॉम्बे हाईकोर्ट का, समझे। और उसका उन्होंने विड्रॉल किए हैं, सोसाइटी तमाम चीज़ें उनके साथ कर रही है, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट दिया गया उनको, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट पढ़ने के लिए दिया गया, उनके अंदर कुछ सजेशंस आए, उनके जो जायज सजेशंस थे कमेटी ने उसको एक्सेप्ट किया है, जो गैर ज़रूरी डिमांड्स थे उसको नहीं कर पाएंगी कमेटी, उनके फुलफिलिश नहीं कर पाएंगी, समझे। सब चीज़ें सिस्टमेटिक चल रहा है, ये ब्लैकमेलिंग करने की सिस्टम दिख रहा है मुझे। सिर्फ सोसाइटी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और पहला रिडेवलपमेंट है मुंबई का अभी तक के ब्लैकमेल करने वाला जैसा हमें को कुछ ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि ये मसला आपका अभी नहीं चल रहा है, पहले भी चल रहा है। उनकी मांग एक ही है, हमें जो यहाँ पर जो आपने बिल्डर को दिया है उसका एग्रीमेंट और प्लान, एग्रीमेंट बन रहा है, एग्रीमेंट दिया गया उनको, हमें दिया जाए, एग्रीमेंट दिया गया, प्लान दिया गया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट प्लान दिया गया, दूसरे मेंबर भी है ना भाई, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, डेमोलिशन को आप इससे क्यों जोड़ रहे हो, डेमोलिशन एक अलग चीज है, बिल्डिंग अति धोखादायक में है। आदमी ये देखता है जब तक बिल्डिंग खड़ी है हमारी ताकत है, क्यों ये हमारे झुकने बाद एक करेक्शन करें, उसमें मन बिल्डिंग गिर जाएगी तो जिम्मेदार है, ये तो बोलेंगे कि बिल्डर ने कर दिया या सोसाइटी ने कर दिया, जान के डिजाइनरी नहीं ले सकते ना। और अभी गिर गया, कल दो स्लैब गिर गया उधर पीछे, अभी ये दुकान में अगर कोई मर जाए तो क्या होगा, फिर उसके अंदर भी बोलेंगे हमने कर दिया, किसी की जान ले ली, ऐसा नहीं होता ना।